या तो माले बच्चों पल्ला कावल भैंसिया खोल ले चिल्ला रहा हुआ चलो अरे इसके लिए छोड़ दो मैं आ रहा हूँ ओरे भैया या तो माले बच्चों कलंकी चिल्ला रहा हुआ कलंकी माले बच्चों ले चलो अरे भैया तो भाई भूत मालूम पड़ता है भाई साहब चलो साहब भेजो लग रहा है क्या आपने मेरे लिए और पहचाना नहीं क्या नहीं मैंने नहीं पहचान पाए ऐसा है हाँ। क्या मैं भीमसेन हूँ क्या भीमसेन हाँ। मुझे विश्वास कैसे होगा आप भीमसेन हो मेरी बात सुनिए ये हमारे शरीर पर यानी कीच और मट्टी लगी हुई है अच्छा इसलिए और आपने हमारे लिए पहचान नहीं पाया अच्छा इधर आओ और नहीं हमारे शरीर पर एक चीज मट्टी छुटाओ तब पहचान होगी तो अब देखो पहचानो आप तो पहचान लिए पहचान लिया अब पहले मेरे लिए और एक बात बताओ क्या आपके लिए और किस किसी ने ज्यादा और परेशान किया था अच्छा हाँ वो तो मैं बता हेलो बताओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कैसे की पहले की गंजा को तबला वाले को अरे ये ऊपर से तो आएगा हेलो हेलो हाँ भैया ये सुनने समझने की बात है क्या उस दिन की बात है अरे शांत जा यानी पांडव पांच और कौरव सौ थे ये भाई भाई थे तो भाई भाई थे इनमें बैर भाव तो हमेशा चलता रहता था एक दिन राजा दुर्योधन ने और मामा शकुनी की राह से और एक बड़ नगर में एक लाख का भवन बनवाया था जब लाख का भवन बन जाता है तो दुर्योधन कुंती माँ के लिए बुलाता है और कुंती माँ से कहने लगा हे माँ हमने आपके लिए और आपके पुत्रों के लिए एक अलैदा से और बरनगर में महल बनवा दिया है कुंती माँ कहने लगी हे दुर्योधन क्या आपने हमारा बंटवारा कर दिया दुर्योधन कुंती माँ के लिए समझाने लगा नहीं माँ इसमें बंटवारे की कोई बात नहीं है अलैदा तो हमने इसलिए बनवा दिया है कि तुम्हारे पुत्रों में और हमें रोज झगड़ा होता है रोज लड़ाई होती है अगर तुम्हारे पुत्र और बरनगर में रहेंगे और हमें यहाँ पर हथनापुर में रहेंगे तो तुम्हारे पुत्रों में और हमें और कभी झगड़ा नहीं होगा तो कुंती माँ दुर्योधन की बात मान जाती है तो अपने पांचों पुत्रों को लेकर उसी लागा भवन में और रहने लगती हैं तो वहां पर जब रहने लगती हैं तो एक परदेशिन और घूमती घूमती चली आई उसके भी पांच पुत्र थे वो कुंती माँ से कहने लगी हे बहन आज हमारे लिए अबेर हो गई है और मेरे पांच पुत्र हैं एक रात अपने मकान में हमारे लिए रुक जाने दो कुंती माँ कहने लगी हे बहन
हमारा महल तो बहुत लंबा चौड़ा है। अरे आज नहीं, तुम भी इसी में रहो और हम भी इसी में रहते हैं। तो इसी तरह से वो भी परदेश अपने पांचों पुत्रों को लेकर और उसी भवन में रहने लगी। तो एक दिन और रात का समय था, राजा द्रोधन ने मौका देखा तो उसी भवन में, और द्रोधन आग लगा देता है। जब उस भवन में आग लगा देता है तो पांच पांडव और जनने लगे। तो भीम कहने लगे, भाई अपने भाइयों से, भैया हम तुम और आज भी क्षत्रिय होते हुए इस अग्नि में जल के भस्म हो रहे हैं। अगर हम तुम रण में और किसी वीरों से जूझ के मर जाते तो हमारे तुम्हारे लिए कोई चिंता नहीं थी। भाई साहब शेरदेव, आप तो अपनी पत्रा में ज्यादा होशियार हो, अपनी पत्रा खोलकर ये देखो कि हम तुम इसी में जल के भस्म हो जाएंगे या कुछ बचने का उपाय है। तो शेरदेव कहने लगे, भाई भीम, अरे मैं अपनी पत्रा कहाँ से देखूं? ये ऊपर से और लाख चूचू के नीचे गिर रही है। अगर मैं अपनी पत्रा देखता हूँ और लाख छू जाएगी, उस पर गिर जाएगी तो मेरे अक्षर बिगड़ जाएंगे, मैं आपके लिए क्या बताऊंगा, मेरी पत्रा भी जल सकती है। तो भीम ने कहा, ऐसा है मैं अपनी गदा के लिए लगा रहा हूँ और मेरी गदा के और नीचे अपनी पत्रा खोल के देखो। तो भीम ने गदा लगाई, शेरदेव ने पत्रा देखी तो उसमें बताया कि भैया हमारी पत्रा में ये लिखा हुआ है कि इस भवन में जो बीच में एक खम्भा लगा हुआ है, इस खम्भे के नीचे और एक भार के लिए सुरंग लगा हुआ है। अगर ये खम्भा उखड़ जाए तो हो सकता है हमारे तुम्हारे लिए सुरंग मिल जाए, तो हमारे तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। तो भीम ने और अपनी गदा वहीं पर रख दी और ताकत से उस खम्भे के लिए उखाड़ा था। जब खम्भा उखड़ जाता है तो पांडवों के लिए सुरंग मिल जाता है, तो सुरंग होकर और वो बाहर निकल गए। जब बाहर पहुंचे और भीम ने अपने रीते हाथ देखे तो सोचने लगे कि ओहो, अरे हमारी गदा तो उसी भवन में रह गई। तो अपने भाइयों से कहने लगे, भैया आप थोड़ी देर बैठो और हमारी उस भवन में गदा रह गई है, मैं अपनी गदा उठा लाऊं। तो चारों पांडव भीम के लिए समझाते हैं, भैया जैसे तैसे हमारे तुम्हारे प्राण उसमें से बच के आए और फिर तुम दोबारा से जा रहे हो, मगर भीम किसी की बात नहीं मानते, लौट कर और दोबारा से उसी भवन में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर व्यासंदर और बहुत जोर की लहर ले रहा था। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे व्यासंदर, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और हमारे लिए हमारी गदा उठा लें दो। व्यासंदर कहने लगा, नहीं भीम, आज मैं तेरे लिए तेरी गदा नहीं उठाने दूंगा, आज मैं तेरे लिए इसमें जलाऊंगा, भस्म करूंगा और तुझे खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। तो भीम हाथ जोड़कर कहने लगे, हे व्यासंदर, अगर तुम मेरे लिए यहाँ पर अकेला जला के भस्म कर दोगे तो तुम हमसे भर नहीं पाओगे। आज मेरे लिए मेरी गदा उठा लें दो और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके लिए किसी न किसी दिन 101 की भेंट चढ़ाऊंगा, उस दिन आप अफर जाना। व्यासंदर कहने लगा, भीम अगर तू मेरे लिए 101 की भेंट देगा तो मेरे लिए इस बात का और तू त्रिवाचा दे। तो भीम ने और भीम से त्रिवाचा दिया था कि मैं तेरे लिए 101 की और भेंट अवश्य दूंगा। तो व्यासंदर शांत हो जाता है। भीम अपनी गदा उठाकर अपने भाइयों के पास पहुंच जाते हैं। आज और वो समय है जो भीम ने और व्यासंदर से यानी 101 की भेंट का वादा किया था। एक तो भीम ने जो कीचक के लिए मारा था, कीचक की भेंट और भीम ने व्यासंदर के लिए दी थी, आज कीचक के 100 भाइयों के लिए मारा है, इनकी भी भेंट और भीम ने व्यासंदर के लिए दी है। पहले के जो लोग थे वो कहते थे, वो अपनी बात पूरी करते थे, और अब के कहते कुछ है मगर करते कुछ है। ए द्रौपदा जी, ऐसा देखो, तुम यहाँ से जाओ और किसी को ये नहीं पता चल पाए कि यहाँ पर भीम आए थे। अच्छा, तुम भी जाओ और हम भी यहाँ से जाते हैं। चलो ठीक है, तो मैं जाती हूँ, मगर किसी को पता नहीं चल पाए कि यहाँ पर भीम आए थे। ठीक है, जाओ, निकल जाओ तुम।